हाय गाइस, अभी टाइम हो रहा है करीब 6:30 और मैं अभी जस्ट ड्यूटी से घर पहुंचा हूं और काफ़ी बहुत हाई लेवल का भूख अभी लग रहा है मुझे। पता नहीं यार, कैंटीन का खाना आज ऐसा, ये पहला दिन है कि मुझे याद आ रहा है मैं कैंटीन में खा के उठ रहा था और मेरा मुझे बहुत तेज़ भूख लग रहा था, लेकिन वेट लूज़ करना है इसीलिए थोड़ा सा पानी पी के पेट भर लिया आया। तो अभी घर पहुँचा हूँ और है बहुत हाई लेवल का जो भूख लग रहा था, देखता है। ए छोटी खाए बोगे वो वाला 800 रुपये किलो यहाँ पे मिलता है छत्तीसगढ़ में? नहीं नहीं, तो अभी आ रहे थे, मशरूम एक देसी वाला मिला था छत्तीसगढ़ का, मतलब फैट में लोग बैठे थे, वो पाव 200 रुपये बेच रहे थे भाई साहब। मटन का प्राइस 600 रुपये किलो, 150 रुपये का एक पाव मिलता है मटन, बाप रे। तो फटाफट मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद काफ़ी सारा सामान खरीदना है जाके। ग्रोसरी तो अपन उस दिन ले आए थे परसों पापा के साथ, कल जाके थोड़ा सा चावल वगैरह खत्म हो गया तब जाके मैं ले आता हूँ, उसके साथ ही थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, देखता हूँ क्या खाने के लिए मिल रहा है। कहाँ दबा हुआ आज खबर? और मैं लास्ट 2 दिन से ना ब्लॉग बनाया नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा इधर उधर काम था। सो देखते हैं आज ब्लॉग बना के कल एक बजे अपलोड करना है उसको। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ मानस कुमार, फिर से आप लोगों के लिए नया ब्लॉग लेकर आया हूँ और होपिंग आप सब अच्छे हैं। और रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा गया, अभी अपना इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो सबको अपने यहाँ पे तो पूरा झंडा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सारे घर में कि 13 से 15 जो है पूरा झंडा वाला पूरा फहराना है घर में, फहराना है घर के सामने, और अभी लग गया अभी काफ़ी घर के सामने, यहाँ पे पूरा टाउनशिप वाले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो चलिए आज के ब्लॉग पर अपन काफ़ी एक्साइटमेंट बनाते हैं। एक्साइटमेंट मतलब क्या कि एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालना नहीं है, जो अपना डेली लाइफ में हो रहा है नेचुरल वही है, किसी को दिखाना है। सो आप लोग अगर मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम है, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और मैं अगर घटिया बनाता हूँ ब्लॉग, अच्छा बनाता हूँ वो भी आप चाहे तो थोड़ा सा मेहनत करके कमेंट कर सकते हैं। तो मैं फटाफट थोड़ा फ्रेश होता हूँ और मेरे बात किसी को पसंद आ रहा लग रहा है, स्माइल ले आ रहा है, ठीक हो जाए नहीं है वो कहता हूँ मैं बैठी हूँ ना इसलिए ज़्यादा बकवास, फ्रेश हो जाता हूँ यार। कैसा दिख रहा है? बोल दी सुजी, वैसे आज एक सर कमेंट कर रहे थे काफी स्मार्ट दिख रहा है बोल के। गाइस अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुके हैं, अभी थोड़ा सा कुछ खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद चलेंगे मार्केट, मार्केट कुछ सामान वगैरह ले आना है, ग्रोसरी हो गया आपका, और इन लोगों के लिए कुछ मिक्स स्नैक्स देखता हूँ, गुपचुप वगैरह पानी वाला होगा तो लेके आ जाता हूँ। तो फटाफट यार पानी थोड़ा तो पीता हूँ फिर निकलता हूँ मैं। और बाहर अंधेरा हो गया, देखिए चल रहा अंधेरा, तो फटाफट पानी पीते हैं और निकलते हैं। मैं रुको में घूम रहा हूँ, खाने आया हूँ एचआईजी वाली स्ट्रीट पे, रुको जो है और 40 का 50 रुपये देना खाली है, गुपचुप निकलते हैं अभी, थोड़ा बहुत ग्रोसरी लेके घर चलेंगे। मैं मार्केट से आ गया हूँ सब सामान वगैरह खरीद के और अभी टाइम हो रहा है 7:15, तो आज प्लान बना गया रक्षाबंधन मूवी और लाल सिंह चड्ढा दोनों कल तो रिलीज हो चुका था, तो अपन प्लान बना के आज जाके थोड़ा सा देख लेते हैं। और किसको? रक्षाबंधन वाला को देखेंगे, लाल सिंह चड्ढा का काफ़ी बैड रिव्यू है, रेटिंग वगैरह काफ़ी कम है, तो अपन जा रहे हैं अभी। 7:20 का टिकट मूवी टिकट हुआ है PVR में भिलाई सूर्या मॉल, और काफ़ी एक्साइटमेंट होने वाला है। मैं पैडमैन का मुझे काफ़ी याद आ रहा है, पैडमैन में देखने गया था, फेमस का मूवी काफ़ी ठीक है, डिसेंट है, जाके देखते हैं। इसमें भी तो काफ़ी फैमिली टाइप का लग रहा है, ड्रामा टाइप का मूवी लग रहा है। आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ रक्षाबंधन मूवी का रिव्यू, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और बात करते हैं ब्लॉग में आते आगे। तो मैं देखता हूँ पहले खाना क्या क्या बन गया, कहाँ तक बना भाई, और अपने पास आधा घंटा बचा है टाइम आके निकलने के लिए। तो ठीक है, मुझे कुछ बना के दे तो खा लेता हूँ मैं। प्लान ये हुआ कि मैं आके लंच करूंगा, सॉरी डिनर करूंगा, तभी कुछ थोड़ा बहुत लाइट खा के निकलता हूँ।
और क्या खाएंगे लाइट? अंडा का कुछ आइटम खाते हैं, एग पोच वगैरह कुछ खाते हैं। टाइम हो जाएगा यार, 8:20 का तो 9:20, 10:20, 11 तो बच जाएगा आराम से, 11 बजे के खाऊंगा। लेकिन भूख ताबड़ तो लगा भाई, मैंने 20 रुपए का गुटखा खाया था फिर भी भूख मरा नहीं मेरा यार। पोच की तैयारी हो चुकी है, कढ़ाई में बनाओगे क्या? हाँ। अरे यार इसे मजा नहीं आएगा यार। ओहो भाई जो सेवल का स्मेल आ रहा है ना यार, इधर इसमें स्मेल आ रहा है और इधर मुंह से पानी। तो अपन आ गए हैं अभी, अरे इसका टुकड़ा कहाँ गया यार? भाई साहब एग पोच, और ये जो ब्लैक पेपर पाउडर है ना, ये डालने से ना वो टेस्ट का जो लेवल है ना भाई साहब, खतरनाक बन जाता है। बिफोर गोइंग टू मूवी अपन थोड़ा सा यूट्यूब में देख लेते हैं कुछ रिव्यू है क्या रक्षाबंधन का, कैसा क्या है, कैसा क्या मूवी है, थोड़ा सा देखेंगे तो माइंड बना के उसके बाद फिर जाएंगे अपन। तो मैं थोड़ा सा यूट्यूब में देख लेता हूँ रक्षाबंधन का रिव्यू। अभी 8:50 हो चुका है, मैं जा रहा हूँ नीचे और सब आ रहे हैं देखते हैं एक्चुअली कैसा लगा। कि टीवी अभी मैं यूट्यूब में देख रहा था, रिव्यू तो काफ़ी तगड़ा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उसको। भाई बहन का रिलेशनशिप है थोड़ा इमोशनल वगैरह बोल के, तो चलिए देखते हैं कैसा है वो भी। और कुछ टेक्निकल रीजन से अपना टिकट बुक हो नहीं पाया था, बट फाइनली अभी टिकट बुक भी हो चुका है और वेदर ताबड़तोड़ है, तो चलिए देखते हैं मूवी। और आ गए अभी सब आ रहे हैं, तो अपन 3 आदमी जा रहे हैं, 2 कलीग और मैं जा रहे हैं। 8:20 का शो है तो आके बताते हैं मैं आपको कैसा मूवी है क्या है। 5 हो चुका है, देखते हैं अपन यहाँ से करीब 10-15 मिनट का जर्नी है, तो क्या माहौल है, कितने पहुँचते हैं, पहुँच के बात करते हैं। भाई साहब अपन पहुँच गए हैं सूर्या मॉल भिलाई, और पीछे देखिए KFC है और कुछ खुला है, तो चलिए देखते हैं। 8:20 का शो है लेकिन टाइम इधर हो गया 8:20, और यहाँ से करीब हम लोगों को 150 मीटर चलना पड़ेगा, और पार्किंग में अभी अपन है, तो चलिए फटाफट से का कुछ व्यू दिखाता जाऊँगा यहाँ पर सूर्या मॉल में क्या क्या है। सामने KFC, देखो झूला टाइप का, देखिए बच्चे मजे कर रहे हैं इसमें। वाओ मेन एंट्रेंस भाई, घुस जाते हैं। और यह है आपका सेल्फी जोन भिलाई का। यस फाइनली अपन आ गए हैं सूर्या मॉल, पीछे देख रहे हैं आप बहुत काली है यार, इतना लाइट है यहाँ पे क्या भाई साहब आपको। और एडिशनल जो है सेल्फी मोबाइल का लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, ये उसी का चल रहा है। उसके बाद आ गया वहाँ पे PVR, और सामने टोयोटा अर्बन क्रूजर का लगा है कुछ। अपन आ गए हैं PVR सिनेमा फर्स्ट फ्लोर में, तो चलते हैं। और फाइनली आ गए PVR, चले टिकट वा हो गया, अभी एंटर कर रहे हैं। ये कौन सा स्क्रीन है, स्क्रीन ये क्या है भाई, इतना खाली भाई साहब देखिए कितना खाली है यार, पता नहीं क्या होने वाला है से। भाई साहब व्यू तगड़ा है लेकिन बोलिंग काफ़ी खाली है, पीछे देखते हैं क्या माहौल है। और कुछ स्टार्ट हो रहा है अभी, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को इंटरवल में। सीस हो गया यार, स्टार्ट हुआ नहीं है मूवी अभी तक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी करीब 9:30 टाइम हो रहा है, अपन इंटरवल में थोड़ा सा आ गए थे वॉशरूम। मूवी अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में ना करीब मतलब ऑलमोस्ट जो है ना नियर बाय इंटरवल के आसपास थोड़ा सा मतलब काफ़ी तगड़ा अच्छा उसका रेस्पॉन्स रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का है, थोड़ा सा ड्रामा टाइप का है, बट अभी काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। तो
अभी तक तो मतलब हम लोग जितना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट किए हम टिकट वगैरह करके ऐसा फील हो रहा है कि मतलब पैसा वेस्ट नहीं जाएगा और आगे देखते हैं इंटरमिशन होता है मतलब इंटरवल होता था अभी अपन आए थे वसन वगैरह बैठ जाते हैं थोड़ा सा और मूवी काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने के लिए तो मैं आप लोगों से आगे बात करता हूँ और कैसा कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए। तो मैं बैठ गया हूँ रेस्ट रूम पे मतलब बाहर एक सोफा पर बैठ गया हूँ और थोड़ा 5-7 मिनट अपन बैठ के फिर चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं मूवी कैसा आ रहा है। अच्छा लग रहा है ये मतलब पैसा वसूल है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ सेकेंड क्या होने वाला सेकेंड पार्ट में। अब मेरा एडिटिंग क्यों बढ़ाना चाहते हैं एडिटिंग ये बीप जो है ना इन शॉट पे मतलब इसको फिट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है एक्चुअली। 1500 पब्लिक को पूछे पब्लिक को यही चाहिए मिर्च मसाला बिना बक्सर देखना आप उसमें पर रच गए अभी नहीं एबिचुएट हो गया पूरा ज़्यादा देख रहे हैं क्या अभी लग रहा है हाईवे का वीडियो नहीं देख रहे हैं उसका देखने लगा है मैंने एक आध वीडियो देखा है अभी कल बोले ना तुरंत सर्च किया कौन है तो वो किसी को मार रहा था वो वाला देखा मैं सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक माहौल उसके लिए आपको एक लिंक भेजा है। A few moments later. अभी टाइम हो गया अपना 10:30 और अपन निकल गए हैं PVR से और बात कर रहे थे मूवी के बारे में यार लास्ट के जो 5 मिनट है ना अरे मैं अपने आपको तैयार कर चुका था उसमें जाने के लिए लास्ट के जो 5 मिनट है ना भाई साहब हालत ख़राब हो गया मेरा बाकी ही रेस्ट जो 90 मिनट था ना पूरा क्या क्या बन गया था मूवी का लेकिन तो फैमिली का था कि आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको एक्चुअली ऐसा नहीं कि देख नहीं सकते और फीमेल लोगों को भाई बहन का जो बॉन्डिंग वगैरह है काफ़ी मज़ा आने वाला है इस मूवी में तो एक बार के लिए देखने लायक है मतलब ऐसा कि नहीं कि इसलिए फटाफट घर चलते हैं घर मिल के फिर बात करेंगे अपन मूवी एंजॉय किए कि नहीं आप कैसा लगा रहा भाई इमोशन कूट कूट के भरा था लेकिन हमारे अंदर इमोशन आया नहीं पहले से भरा हुआ है कूट कूट के सख्त लौंडे है क्या गाइस मैं अभी आ गया हूँ रूम में और मूवी के बारे में 2-3 बात अपन कर लें तो यार मूवी मतलब डिसेंट है बहुत हाई टावरतोड़ वाला बिल्कुल नहीं बोल सकते इसको और पर्सनली क्या मेरा कोई सिबलिंग नहीं है या फिर कोई सिस्टर नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ बट जिन लोगों का मतलब जिन सिबलिंग है भाई बहन है वो लोग काफ़ी उनको थोड़ा मतलब मूवी काफ़ी अच्छा लगने वाला है वो लोग काफ़ी रिलेट गए मूवी को और काफ़ी अच्छा मैसेज भी दिया गया है इसमें कि जैसे आपका जो दहेज वगैरह का है ना वो सब मतलब दहेज वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार जाके देखिए एक भाई है 4 बहनें हैं उनका थोड़ा बहुत प्यार उसके बाद सोसाइटी दहेज शादी के लिए कितना कॉम्प्लिकेशन आते हैं जहाँ जहाँ पे दहेज वगैरह का रहता है डिमांड वगैरह का रहता है तो आप डेफिनेटली एक बार जाके देखिए मतलब अभी के आजकल के जो ज़माना है इसके हिसाब से मूवी देखना बनता है एक आध बार आप पैसा खर्चा करके जा सकते हैं आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगेगा लेकिन ठीक है काम चलाऊ है और भाई बहन आपके पास आप भाई बहन आप मतलब आप सिविलिंग है आपके बहन लोग हैं तो आप डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है। सो होपिंग गाइस आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो मैं फटाफट 11 बजने वाला यार खा लेता हूँ भूख भी लगा है मुझे। सो अपन मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में और अपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और मिलते हैं फिर और एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।